अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर लोगों से चैटिंग करते हैं, तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि मयूर त्यागी नाम के एक युवक को जान के लाले पड़ गए। बहस से नाराज एक शख्स ने उस पर गोली चलवा दी। मयूर के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी बात को लेकर उस पर मजाक चल रहा था, जिससे परेशान होकर मयूर ने ग्रुप में मौजूद लोगों से उसे रोकने को कहा, लेकिन ग्रुप में मौजूद आकाश अग्रवाल नाम का एक शख्स इस पर गुस्सा हो गया और मयूर को जान से मारने की धमकी देनी उसने शुरू कर दी, जिसके बाद रविवार शाम दो मोटरसाइकिल पर सवार चार युवकों ने मयूर त्यागी पर गोली चला दी। मयूर की किस्मत अच्छी थी कि उस पर चलाई गई गोलियां उसकी गाड़ी में जा लगी। इस घटना के बाद से ही मयूर का परिवार दहशत में है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस वारदात ने पूरे गाजियाबाद में खलबली मचा दी। लड़का आकाश अग्रवाल जी, उससे हम ग्रुप में बात कर रहे थे। ग्रुप में ऐसे थोड़ी कहासुनी हुई थी, वो थोड़ा मजाक ले रहा था। मैंने उससे मना किया कि मेरा मजाक मत ले, ना मैं तेरे से बात कर रहा, तू मेरे से भी बात मत कर। फिर वो कहने लगा अच्छा चल ठीक है, फिर बात वहीं ख़त्म हो गई थी। फिर कल सुबह मेरे पास फ़ोन आया था मिलने के लिए मेरे दोस्त का, आकाश अग्रवाल उसी के साथ था। तो ऐसे मिलने के लिए बोला तो कहने लगा भाई तू बहुत बोल रहा है यार, उसने मुझे मारने को कहा। फिर मैं वहाँ से आ गया था। फिर 3:30 बजे उनका मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे जहाँ तू मिल गया तो वहीं पिटेगा, अभी मुरादनगर आ जा। मुझे जान से मारने की धमकी थी। फिर उसके बाद जब शाम को मैं घर से निकला, मुरादनगर जा रहा था, तो चार आदमी दो मोटरसाइकिल पर थे, मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग की। मैंने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर उन्होंने गाड़ी पर फायरिंग की, गाड़ी के दो गेट में लगी है फायरिंग। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी से उतरा हूँ, फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। भैया ये है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर कल ही से कुछ हो जाता तो मैं तो यही चाहूंगी कि भाई जिसने भी ये काम कराया उसे सजा मिलनी चाहिए।